गुना भारत के मध्य प्रदेश राज्य में स्थित एक प्रमुख शहर है। यह शहर पार्वती नदी के किनारे बसा हुआ है, जो कि ग्वालियर संभाग के अंतर्गत आता है। यह शहर लगभग 6390 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में फैला हुआ है, जो क्षेत्रफल की दृष्टि से मध्य प्रदेश का 21वां सबसे बड़ा जिला है और इस जिले को मध्य प्रदेश के सबसे विकसित जिले के तौर पर भी देखा जा रहा है। दोस्तों, गुना जिले को भारतीय इतिहास में अपने योगदान के लिए जाना जाता है, क्योंकि गुना शहर को धार्मिक स्मारक, प्राचीन किले और अतिरिक्त पर्यटक आकर्षणों में गिना जाता है, जो कई ऐतिहासिक स्थलों से युक्त है। वैसे गुना शहर को एक नगर के रूप में बसाने का श्रेय राजा चंद्रोदय को जाता है और भारतीय इतिहास में गुना शहर को मालवा का प्रवेश द्वार भी कहा गया है। वैसे दोस्तों, इस जिले का गठन 28 मई 1948 को किया गया था। उस समय यह शहर मध्य भारत के राज्य के 16 जिलों में से एक था, परंतु नवीन मध्य प्रदेश की स्थापना के समय 1956 में गुना को मध्य प्रदेश का प्रमुख जिला बना दिया गया तथा 15 अगस्त 2003 को गुना जिले को दो भागों में विभाजित करके पूर्वी भाग को अशोकनगर जिला बना दिया गया। दोस्तों, वर्तमान में गुना जिले के अंतर्गत 7 तहसीलें आती है, जिनमें गुना, बमोरी, चाचौड़ा, कुम्भराज, राघोगढ़, अरौन और मकसूदनगढ़ तहसील शामिल है। साथ ही इस जिले में 5 कस्बे और 1338 गांव भी हैं। फ्रेंड, गुना शहर ने औद्योगिकरण के मामले में उल्लेखनीय सुधार दिखाया है। इसने अर्थव्यवस्था के मामले में धीरे धीरे प्रगति दिखाई है और वर्तमान में गुना अपनी साइकिल उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। फ्रेंड, 2022 के आंकड़ों के अनुसार गुना जिले की जनसंख्या 13 लाख के लगभग है, जिसमें 3 लाख के लगभग शहरी क्षेत्र में और 9 के लगभग ग्रामीण क्षेत्र में निवास करते हैं। आज गुना शहर में बड़ी संख्या में निजी अस्पताल और स्वास्थ्य केंद्र भी हैं, जो आसपास के गांवों और कस्बों के निवासियों को भी स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करता है। इनके अलावा यहां कई सारे शिक्षण संस्थान भी हैं। निजी इंजीनियरिंग कॉलेज से लेकर मेडिकल कॉलेज और महाविद्यालय मौजूद हैं। दोस्तों, गुना जिले की सीमा कई सारे पड़ोसी जिलों जैसे राजगढ़, भोपाल, विदिशा, अशोकनगर और शिवपुरी जिले से लगती है तथा मध्य प्रदेश की 5वीं सबसे बड़ी जनजाति सहरिया भी गुना जिले में निवास करती है। सहरिया जनजाति मुरैना, भिंड, ग्वालियर और शिवपुरी जिले में भी निवास करती है। वैसे दोस्तों, गुना जिला कृषि प्रधान जिला है। खेती यहां का मुख्य कार्य है। इस जिले में मुख्य रूप से ज्वार का उत्पादन किया जाता है। इसके अलावा यहां गेहूं और चने की खेती भी होती है। साथ ही गुना जिले के अंतर्गत आने वाली कुम्भराज मंडी धनिया की सबसे बड़ी मंडी है। दोस्तों, गुना शहर भोपाल से लगभग 210 किलोमीटर दूर और ग्वालियर से 218 किलोमीटर दूर स्थित है, जो सड़क मार्ग और रेल मार्ग द्वारा भारत के अन्य शहरों से भली भांति जुड़ा हुआ है। दोस्तों, गुना शहर में कई सारे खूबसूरत टूरिस्ट पैलेस भी मौजूद है, जैसे बजरंगगढ़ किला। यह किला गुना से 10 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। इस किले का निर्माण यदुवंशी राजा ने 16वीं शताब्दी में करवाया था। यह किला ऊंची पहाड़ी पर बना हुआ है। इसके अंदर मोती महल, रंग महल, राम मंदिर और बजरंग मंदिर अभी भी बरकरार है। यदि आप इतिहास प्रेमी हैं, तो ये जगह आपके लिए बेहद ही खास है। इनके अलावा आप गुना जिला से लगभग 10 किलोमीटर की दूरी पर 20 भुजी माता मंदिर स्थित देख सकते हैं। यह मंदिर पहाड़ी पर बना हुआ है। इस मंदिर में दुर्गा जी की 20 हाथों वाली प्रतिमा स्थापित है। यहाँ 3 विशाल देव स्तंभ भी है, जिन पर नवरात्रि के समय सैकड़ों दीपक जलाए जाते हैं। ऐसी मान्यता है कि जिस भक्त पर माँ की कृपा होती है, उसी को 20 भुजा गिनने को सौभाग्य प्राप्त होता है। इनके अलावा गुना शहर से 5 किलोमीटर की दूरी पर हनुमान टेकरी मंदिर स्थित है। यह हनुमान मंदिर एक ऊंची पहाड़ी पर बना हुआ है। इस मंदिर तक पहुंचने के लिए लगभग 350 सीढ़ियां बनी हुई है। स्थानीय लोग इसे टेकरी सरकार के नाम से भी जानते हैं। हनुमान जयंती पर यहां एक विशाल मेले का आयोजन भी होता है। इस मंदिर में दक्षिण मुखी हनुमान जी की प्रतिमा स्थापित है। ऐसा माना जाता है कि हनुमान टेकरी का यह मंदिर काफी प्राचीन है। दोस्तों, अगर आपको अपने शहर या जिले की वीडियो चाहिए तो हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। पर आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें।